गाइस देखिए मेरे लड्डू और लाडली को कितने प्यारे लग रहे हैं ना, ये देखो पास से देखो। आज मैंने ग्रीन कलर की ड्रेस बनाई है और ये मैं ना इनका सिंहासन ले आई हूँ। ये देखिए इस पर ना एडजस्ट हो गया ये, क्योंकि मेरा मंदिर छोटा है ना, तो मैंने ना ये बनवा रखे हैं बॉक्सेस, तो इन पर मैं रखती हूँ। जैसे पहले जब कान्हा जी बैठते थे तो उनका सिंहासन यहीं पर रखती थी। अब ये सिंहासन ना मैं इस हिसाब से लाई हूँ कि ये इस पर आराम से आ गया और ये दोनों आराम से बैठे हैं। नहीं तो डर रहता था मुझे कहीं गिर ना जाएं। और इधर देखिए, इधर जो है मैंने ये कटोरी में तुलसी जी हैं, तुलसी के पत्ते, और इधर मैंने गाय को बिठा रखा है, गाय माता को। तो ये दो बॉक्सेस बनवाए थे जब अभी किचन में काम हुआ था। तो देख लीजिए अच्छे लग रहे हैं ना, और सिंहासन अच्छा लग रहा है ना। अब बस इसके गद्दा बनाना है मुझे, और गोल पिलो तो इनकी है ही, और गद्दा बना के इनको फिर ठीक से बिठाऊंगी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड अनदर ब्यूटीफुल डे। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, एज यूजल ठीक ही रहना चाहिए। सो गाइज, मैंने थोड़ी थोड़ी ना वॉक करना शुरू किया है। जैसे कि मैं कल भी थोड़ी देर के लिए गई थी, तो बॉडी में ना एकदम से कुछ होने लगता है कि बॉडी में जैसे लग रहा है ओहो मैं कितना थक गई, फीवर जैसा लग रहा है। क्योंकि कभी कभी जाता है ना बंदा, तो उसके साथ ऐसा होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका रूटीन बनाती हूँ अब धीरे धीरे, क्योंकि सर्दी तो ऑलमोस्ट चली ही गई। सो आज मुझे थोड़ा ग्रॉसरी का शॉपिंग भी करनी है। सो मैं इजी डे जा रही थी और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा नज़ारा आपको भी दिखा दूँ बाहर का। तो चलते हैं, मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है। अच्छा क्या हो गया है, रात होने वाली है, मेरे सारे काम बहुत देर से शुरू होते हैं, 6:15 बज रहे हैं। क्योंकि अभी ना थोड़ा सा घर का काम कर रही थी मैं, किचन विचन सारा साफ किया और झाड़ू वाड़ू किया। शाम को झाड़ू हमेशा करनी चाहिए ना। तो चलिए चलते हैं बाहर और देख लेते हैं बाहर का नज़ारा क्या है। मे बी मैं थोड़ा सा कुछ और भी ले आऊँ, अपने लिए कुछ नहीं, अपनी राधा रानी के लिए ही। तो चलिए चलते हैं। क्योंकि इतना सारा सामान हम लेके नहीं जाएंगे ना। यहाँ पे ना इतनी ज्यादा भीड़ है, ट्रैफिक में फंस गए हम। 8 बज गए हैं और अभी हम घर नहीं पहुंचे। बारिश होने लगी है और ट्रैफिक जो है बहुत ज्यादा जाम हो रहा है। तो गाइस, मैं आज ऐसा सोच रही थी कि अब ना गर्मी आ गई है और अब तो स्वेटर वगैरह पहन के नहीं जाती हूँ कहीं पे भी। बट लकीली ना मैं स्वेटर पहन गई, क्योंकि फिर ये होता है कि जाती हुई ठंड ज़्यादा तबीयत ख़राब कर देती है। अब मैं स्वेटर पहन के चली गई। जब मैं यहाँ से जा रही थी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, ठीक है। और फिर जब मैं वहाँ से आई हूँ, मतलब इजी डे से निकली तो थोड़ा आगे मार्केट में चली गई, वहाँ पे ना बारिश आने लग गई और फिर हम लोग आए हैं बारिश में। सर भी भीग गया था और थोड़े थोड़े कपड़े भी। जैसे ही घर आए वैसे ही लाइट चली गई, तो आज स्यापा हुआ ये। तो सामान तो मैं ले आई और वो लोग डिलीवरी भी कर गए हैं, और मैं दिखाती हूँ आपको वो चीज़ें जो मैं लेकर आई हूँ अभी राधा रानी के लिए। और थोड़ी सी चीज़ें लेकर आई हूँ क्योंकि अभी मेरे लाडो के पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, तो मैं लेकर आई हूँ, दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये ना मैं राधा रानी के लिए ना ये मैं ड्रेस लेके आई हूँ, वो क्योंकि उनका साइज़ छोटा है ना, तो इसलिए एक ये है। ऐसी ना लड्डू गोपाल जी के लिए भी लाई थी, तो सेम एक ऐसी भी ले आई हूँ मैं। और ये ना मैं दो गले के लेके आई हूँ, एक जैसे युगल जोड़ी के लिए। अरे प्राइस भी दिख रहे हैं, कोई नहीं, ये युगल जोड़ी सरकार के लिए, और ये लड्डू गोपाल जी के लिए, और ये किशोरी जी के लिए। और किशोरी जी के लिए ना एक मुकुट भी लाई हूँ छोटा सा, एंड उनके लिए विग। उनके ना विग सही से नहीं मिल पा रहे हैं, तो एक तो ना आज नया ही आया था तो उन्होंने दिया ये जूड़े वाला। तो इसको भी मैं ट्राई करूँगी कभी कभी, देखते हैं। पहली बात तो देखूँगी कि ये ठीक से आएगा नहीं आएगा उनको। और एक ये नॉर्मल हेयर्स हैं उनके, तो देखो चेक करूँगी आएगा कि नहीं। और शिवरात्रि आ रही है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसी ड्रेस भी ले लूं। तो ये बाघम्बर बोलते हैं इनको, तो ये भी लेके आई हूँ मैं। और ये मैं कल लेके आई थी, जब कल गई थी
तो ये भी मैं यहाँ से ली थी मैंने अपनी मार्केट से, तो मुझे ना मैंने ले तो ली बट ये बड़ी हैं तो मैं इनको ना चेंज करवा दूँगी यहाँ से तो। और ये भी तो ये ज़्यादा अच्छी लगी मुझे क्योंकि ये अच्छा साइज़ है, लेकिन ये बहुत बड़ी आ गई तो ये कल चेंज कराऊँगी। और ये देखिए ये रुद्राक्ष की माला, ये ना नेपाल से मंगाई थी उन भैया ने, और बिल्कुल बारीक वाला रुद्राक्ष है ये। सो ये ना मैं शिवरात्रि पर कान्हा जी को और भोले बाबा को और साईं बाबा जी के लिए लेकर आई हूँ। और ये दो ड्रेस लाई हूँ मैं एक जैसी, ये दो ड्रेस एक जैसी हैं, ये मैं होली के लिए ले आई हूँ, मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने सोचा कि चलो ये ले लेती हूँ मैं दोनों के लिए। और ये राधा रानी जी की एक ड्रेस ये है, और लड्डू गोपाल जी और किशोरी जी के लिए एक ड्रेस ये है। और ये ना उनका वो है अष्टगंध हर्बल जेल, इससे ना उनको स्नान कराते हैं। तो ये आया था कल जहाँ से मैं लाई हूँ ना, जिस शॉप से हमारे ही घर के पास है, तो वो लड़का वृंदावन जाता रहता है तो वहाँ से ना हर चीज़ लाता है, तो उसने मुझे दिया कि आप आंटी इनसे ना उनको स्नान करा सकते हैं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये प्योर नेचुरल है। तो ये मालाएं मैं लाई थी दो, मुझे दो और मंगानी है अभी। सो ये है मेरी शॉपिंग। गीले हो गए और ना मुझे छींके आने लगी हैं फॉर श्योर कि मुझे कोल्ड भी होने वाला है, मेरे को ऐसा फीलिंग आ रही है क्योंकि बॉडी पेन हो गई क्योंकि भीग गई थी मैं बारिश में। जब भी मैं सोच रही हूँ कि चलो अब गर्मी आ गई नॉर्मल है, मैं वॉक करूँगी तो थोड़ा मुझे स्वेटिंग होगी, बारिश आ गई, लेकिन हाँ फिर भी ठीक ही है क्योंकि अगर अभी से गर्मी पड़ेंगे तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लग जाएगी, तो ठीक ही है। थैंक यू। सब डरते हैं जब भी मैं वीडियो बना रही होती हूँ ना, सबको लगता है हमें ना ले ले हमें ना ले ले, चलो मैं ही काफ़ी हूँ। सो गाइज अभी आपने देखी शॉपिंग और आपने देखा मेरा मंदिर, आपने देखा ना सिंहासन, वो भी मैं कल ही लेकर आई थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं बाहर जाऊँ ना तो मैं राधा रानी के लिए और कान्हा जी के लिए ना कुछ ले ही आऊँ। तो अभी मेरे को ना कल अपनी जो मेरे भगवान जी की अलमारी है ना वो डिस्टर्ब हो गई है फिर से, उसे ठीक करना है कल मुझे। और चलिए शिवरात्रि की तैयारी करते हैं, दो चार दिन ही रह गए, और आप लोग भी करिए मैं भी करती हूँ। और चलिए मिलते हैं आपसे कल, कल कुछ अच्छा बनाएंगे। तो चलिए गुड नाइट, टेक केयर, एंड बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं आप अपना ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, अपने आप से प्यार करिए।